अभी घर पे आ गए हैं और घर पर से हम लोग जा रहे हैं खेत में, और खेत में पालक बोना है, मेथी है, सोयाबीन है और सोयाबीन है, बहुत सारी चीज़ें हैं बोने का है, तो हम लोग खेत में जा रहे हैं अभी। तो वहाँ पे खेत में दिखाते हैं आपको, वहाँ पे मिलते हैं, अभी चल रहे हैं खेत में। दोस्तों अभी खेत में पहुंच चुके हैं और बीज भंडार से बीज भी लाए हैं हम लोग, तो आप लोगों को दिखाते हैं जो जो बीज लाए हैं और उसको अभी यहाँ खेत में लगाएंगे हम लोग। तो बीज दिखाते हैं आपको, कौन कौन से बीज लेके आए हैं। जोनरी जिसको बोलते हैं गांव में, भुट्टा भी बोलते हैं, और ये रंग के बेचते हैं वो लोग दुकान पर बीज भंडार पर। तो ये भुट्टा है, जोनरी, मकई, बहुत सारे नाम है इसको, सब लोग अलग अलग बोलते हैं। और ये सरपुतिया है, गांव में सरपुतिया बोलते हैं लेकिन इसका भी नाम बहुत जगह अलग अलग है, कहीं कहीं पे तरोई बोलते हैं और ज़्यादा नाम तो मुझे पता नहीं है, मगर सरपुतिया, तरोई और भी एक दो नाम है, तो आप समझ जाओ जो भी इसका नाम होगा। इसका बीज ऐसे काला काला होता है। और ये सोवा है जो साग के साथ में मिक्स करके खाते हैं, पालक का साग रहता है उसमें एक पत्ता रहता है बारीक बारीक, तो उसके साथ में होता है ये सोया बोलते हैं। और ये मेथी है, ये सब लोग हम लोग अभी बीज भंडार से लेके आए हैं, तो वहाँ पे गए थे थोड़ा टाइम पहले अभी, तो ये मेथी लाए हैं, इसको भी बोएंगे। फिर यहाँ पे देख रहे हो आप, ये पालक का बीज है जिसका साग बना के खाते हैं हम लोग, दाल में भी डालते हैं, ये सब बोया हुआ है। और यहाँ पे खेत में सब बोया हुआ है और थोड़ा जगह बाकी था यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी बोएंगे हम लोग, तो थोड़ा बाकी है तो यही सब बोएंगे। अभी बीज भंडार से सब बीज लेके आए हैं, तो अभी बोएंगे, फिर भी देखो आप कैसे बोते हैं हम लोग। यही खेत में बैठे हैं और तैयारी कर रहे हैं बोने की हम लोग, तो अभी बोएंगे इसको। अभी ये मेथी बो रहे हैं, तो ज़्यादा नहीं है, इसको ऐसे ही बो देते हैं छीट के, तो जल्दी से हो जाएगा, एक एक करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ऐसे अंदाज से मार देते हैं कि सब जगह पूरा फैल जाता है, जितना एक सेक्शन बना लिए हैं उसी में छीट देते हैं उसको ऐसे, फिर वो सब जाम जाता है एक साथ में। तो अभी ये मेथी है, उसके बाद दूसरा सेक्शन बनाएंगे, फिर उसमें सोया रहेगा, पालक रहेगा, फिर तीसरे में चौली रहेगा, बोड़ा जिसको बोलते हैं मुंबई में, तो चौली बोलते हैं मराठी भाषा में। अभी ये मिक्स कर रहे हैं उसको हिला के, उसमें दो तीन बीज मिक्स कर दिए हैं, तो हिला के उसको मिक्स करके फिर उसको बोएंगे, पालक और सोया को एक में मिक्स कर लिए हैं, तो अभी ऐसे छीटेंगे उसको तो पूरा हो जाएगा उसमें। थोड़ा बुआई करना रहता है तो एक एक करके ऐसे लगा देते हैं। अभी ये पालक है तो इसको ऐसे छीट के ही बोते हैं। बीज छींटने के बाद में उसको मिक्स करना पड़ता है कि वो मिट्टी के अंदर हो जाए, इसलिए उसको कुदाली से गोड़ना पड़ता है, तो मिक्स करने के लिए ऐसे करते हैं। फिर वो जब मिट्टी के अंदर दब जाएगा तो उसमें से वो आँखा उसका निकलेगा, फिर वो उसका पौधा निकल जाएगा उसके अंदर से, कुछ दिन में तुरंत नहीं निकलता, उसको निकलने में अच्छे से एक हफ्ते तो लग ही जाते हैं मस्त थोड़ा बड़ा होने में।
दोस्तों, खेती करना में बहुत मेहनत लगता है और हम लोग तो सब्जी मार्केट से खरीद लेते हैं तो पता नहीं चलता कितना मेहनत ये तैयार होता है। तो जो लोग खेती करते हैं उनको पता है कि कितना मेहनत करना पड़ता है तब जाके सब्जी तैयार होता है। और ये मेरे दोस्त हैं, ये करते हैं ये काम, इनसे पूछते हैं कितना मेहनत करते हैं ये, फिर बताएंगे आपको। ये अभी ये बताएंगे आपको कितना मेहनत लगता है इसको करने में, आप बताइए। भाइयों, ये जो हम सोच रहे हैं इधर उधर करके खा ले रहे हैं, कह रहे हैं 200-400 रुपये में मिल रहा है पैसे दिहाड़ी करके, लेकिन किसानी करने में कितना मुनाफा है कितना घाटा है ये आप सबको पता होगा। 6 महीने में गेहूं उगता है, 6 महीने में धान उगता है, यही फसल हम सब बेचते हैं जो है व्यापारी को, 15 रुपये से 20 रुपये में लेते हैं हमारी फसलें, और वही हम सब 40 रुपये, 45 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये में खा रहे हैं। और ये सब देखो हमने खेती किया है, जैसे भिंडी है, गाजर है, बोड़ा है, पालकी है, सोवा है, धनिया है, ये सब हम बो रहे हैं जो लगभग 1 महीने से 2 महीने के अंदर सब तैयार हो जाएगा। उससे पहले दवा पानी, दवा डालना पड़ता है, खाद डालनी पड़ती है, कितने मुश्किल से तैयार होता है ये तो जो देखता है किसान जो भाई है उनको पता ही होगा कि कैसे किया जाता है। दोस्तों, अभी आपको ये इन्होंने बताया है कि सब्जी हम लोग जो उगाते हैं उसमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, सब्जी तैयार होते होते उसमें खाद पानी टाइम टाइम पे चलाना पड़ता पहले है, पहले मोबाइल और में जब वो प्रॉब्लम लगी तैयार है हो इसीलिए जाता थोड़ा है हिचकिच हो रहा तो है। कुछ उसमें कीड़े पड़ने लगते हैं, तो कीड़े से बचाव करने के लिए दवा मारना पड़ता है। तो फिलहाल सब्जी जब तक आती नहीं अच्छे से, बड़ी हो नहीं जाती है, तब तक बहुत मेहनत करना पड़ता है, कीड़ों से बचाना पड़ता है, टाइम टाइम पे पानी चलाना पड़ता है, तब जाके सब्जी तैयार होती है, दवाई छिड़काव तभी करना हम पड़ता है। लोग मार्केट में खरीद के खाते हैं। तो पता है दोस्तों, किसान लोग कितना मेहनत करते हैं। दोस्तों, हमने आपको सोयाबीन का प्लांट दिखाया था और घर के सामने 4-5 बीज लगाए थे तो वो जाम गए था, तो अभी हम लोग उसका बीज लेके आए खेत में बिठाने के लिए। तो आपको हम उसका बीज दिखाते हैं, सोयाबीन का बीज कैसा होता है। सोयाबीन की सब्जी तो बहुत लोग खाए होंगे लेकिन शायद ही उसका बीज बहुत कम ही लोगों ने देखा होगा, तो हम आपको उसका बीज दिखा रहे हैं कैसा होता है। ये सोयाबीन का बीज है, नीचे रखा हुआ पेपर में, तो ये दिखा रहे हैं कैसे है। ये देख रहे हो, ये सोयाबीन का बीज है, ये छोटा छोटा होता है, गोल गोल, और इसका कलर भी हल्का हल्का येलो कलर का है। तो यही सोयाबीन का बीज है जो सोयाबीन का हम लोग सब्जी खाते हैं। तो इसको अभी खेत में बैठाएंगे हम लोग, तो देख रहे हो कैसा है। ये अरहर की तरह होता है लेकिन इसका कलर थोड़ा हल्का हल्का येलो है, नहीं तो सेम उसकी तरह ही दिखता है। तो यही सोयाबीन का बीज है, इसका सब्जी बनता है, जो सोयाबीन हम लोग खाते हैं, तेल निकलता है इसका सोयाबीन का। तो अभी इसको खेत में हम लोग लगाएंगे यहाँ पे, तो ये 10-15 दिन में थोड़ा बड़ा बड़ा जाम जाएगा। तो यही तैयारी कर रहे हैं खेत में, और ये देखो खेत को तैयार कर रहे हैं सोयाबीन बैठाने के लिए। खेत में जो घास फूस है उसको निकाल रहे हैं, फिर उसको खुदाई करके फिर उसमें लगाएंगे। आप देखते रहिए हमारे वीडियो को, कंटिन्यू सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को। दोस्तों, सोयाबीन से जुड़ी कुछ बातें हम आपको बता रहे हैं। विश्व का सबसे ज़्यादा सोयाबीन अमेरिका में पाया जाता है। विश्व का 60% सोयाबीन अमेरिका में ही पैदा होता है और 40% इंडिया में पैदा होता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा सोयाबीन एमपी में होता है, मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में इंदौर में सोयाबीन का रिसर्च सेंटर है। और सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, 38 से 40% प्रोटीन पाया जाता है, और इसमें कार्बोहाइड्रेट, नमी और तेल पाया जाता है। बाकी का 21 से 22% तेल पाया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट और नमी सब मिला के रहते हैं, और 38 से 40% प्रोटीन पाया जाता है, जो शरीर के लिए बहुत अच्छा रहता है प्रोटीन। इसको खाने के लिए किसी को प्रोटीन की कमी है तो सोयाबीन को खाएंगे तो उनका प्रोटीन की पूर्ति हो जाएगा। तो सोयाबीन की जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके बताएं हमें।
दोस्तों ये सोयाबीन बोने के लिए खेत तैयार हो गया है। अभी इसमें एक पतली पतली लंबी लंबी लाइन बनी हुई है, तब इस लाइन में सोयाबीन को रखते जाएंगे। 2.5 सेंटीमीटर अंदर तक बीज को रखेंगे, फिर वो उसको ढक देंगे मिट्टी को, फिर उसमें से वो निकलेगा। दोस्तों शाम हो गई है, अभी घर पे चल रहे हैं। खेत का काम हम सब कर लिए हैं, हम अभी घर पे चलते हैं। देखो दिन डूबने वाला है और अभी डूबा नहीं है दिन। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों दूसरे वीडियो में। बाय बाय।